हाय एवरीवन, वेलकम टू माय पीस ऑफ गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत DIY हैंगिंग मिनिएचर गार्डन शेयर कर रही हूँ। और ये DIY हैंगिंग प्लांटर मैं किस क्या चीज़ से बनाया हूँ उसी के ऊपर है मेरी ये वीडियो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप लोग गैस कर पा रहे हैं कि मैं क्या चीज़ से ये इतना खूबसूरत प्लांटर बनाया हूँ? ये तो जरूर पता चल रहा है कि मैंने माचिस स्टिक और पिस्ता शेल यूज़ किया हूँ, लेकिन प्लांटर क्या चीज़ से बने ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ना दोस्तों? तो बने रहिए मेरे साथ, आगे पता चल ही जाएगा। कोई भी मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए सेम कैटेगरी का प्लांट्स लेना पड़ते हैं ताकि इनका देख रेख करने के लिए इजी रहते हैं। तो इसलिए मैं ये तीन प्लांट्स चूज़ किया हूँ। जो सबसे कॉर्नर में दिख रही है लंबा लंबा लीव्स वाला, ये है शिंगोनियम का एक वैरायटी और ये हमेशा बुशी लुक्स में ही रहते हैं। बीच वाला जो प्लांट है इसका नाम है अल्टरनेंथ्रा प्लांट। और ये देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। विंटर में इसका रेडिश टाइप का हो जाता है और समर में धीरे धीरे ये ग्रीन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और ये भी बुशी लुक्स में ही रहते हैं और ये तो मिनिएचर गार्डन के लिए ही फेमस है। और इसका दोनों का हाइट सेम ही रहते हैं। सिर्फ कॉर्नर में जो दिख रही है वेलवेट शिंगोनियम, ये बेल टाइप का होते हैं। और लेकिन इसको हम कटिंग करके इसको बुशी लुक्स दे सकते हैं। तीनों प्लांट्स को हम इंडेक्स ब्रशन में रख सकते हैं। इनको पानी का जरूरत बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। एज यूजुअल हम जैसे पानी देते हैं ऐसे पानी देने से भी चल जाते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स है और बहुत हैवी फीडर भी नहीं है। कोई भी फर्टिलाइजर मंथली एक बार देने से आराम से चल जाते हैं। प्रोपगेशन कटिंग से बहुत इजीली कर सकते हैं हम। तो चलिए अभी प्लांटर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है पेट्ठा का कंटेनर। गए थे हम लोग आगरा घूमने के लिए और नेबर्स के लिए लाए थे ये पेट्ठा। तो अभी इसको काट के हम बनाएंगे एक खूबसूरत प्लांटर। ये टूटा हुआ कैंची को ही मैं पहले हीट करके इस तरह से होल कर लेती हूँ। ट्रांसपेरेंट है तो हीट करने से बहुत इजीली होल हो जाते हैं। अभी पेंसिल से एक दाग दे रही हूँ ताकि काटने के लिए कंफर्ट रहेगा। अभी देखिए, मैं हैस्को ब्लेड को भी हीट कर रही हूँ ताकि फटाफट काट सकूँ। और इस तरह से मैं काट रही हूँ। ये देखिए, ये और हो भी गया है मेरी काट करना। देखिए, काफ़ी सारे होल्स काट लिया हूँ ताकि पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो सके। और अभी कवर को लगा दे हूँ और इधर देखिए हम मिट्टी भरेंगे। लेकिन अभी सोच रही हूँ इस पार्ट को भी मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट्स को कैसे लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं काट रही हूँ। दोस्तों, पहली बार ही बना रही हूँ, इतना आइडिया नहीं था। तो करते जा रही हूँ और दिमाग में आइडिया आ रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं काट लिया हूँ। ये देखिए, अभी बन गया है मेरी परफेक्ट प्लांटर। तो चलिए अभी लगाते हैं इसमें प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं नारियल का सिल्का दे रही हूँ होल्स में ताकि पानी बहुत अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। और ये देखिए, मैंने इसके सॉइल मीडिया में राइस हस्क्स भी मिक्स किया हूँ ताकि सॉइल बिल्कुल लाइट हो जाए। तो अभी मेरी ये जो है शिंगोनियम, इधर से मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो चलिए अभी सबसे पहले शिंगोनियम प्लांट्स को लगाते हैं। अभी बारी है अल्टरनेंथ्रा प्लांट की। अभी इसको भी मैं थोड़ा सा इधर से निकाल लेती हूँ और फिर लगा देती हूँ। अभी देखिए, लास्ट में ये मैं शिंगोनियम वेलवेट प्लांट को लिया हूँ और इस तरह से लगा दिया हूँ। तो अभी देखिए, मेरे पूरा प्लांट्स लगाना हो गया है। लेकिन जब मैंने ये हैंगिंग करने लगी हूँ तो देख रही हूँ कि ये जो कवर है ये निकल के आ रही है। तो फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि एक वेयर को इस तरह से हीट करके कवर के साथ लास्ट तक इस ऐसे होल करके टाइट करके बांध के फिर बीच में एक वेयर को हैंग कर लूँगी। तो दोस्तों, इधर मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया हूँ। अभी देखिए, ये मैंने पेंट लिया हूँ रेड और वाइट मिक्स करके, एक छोटा सा कंटेनर में मिक्स कर लिया हूँ। और अभी इसमें मैं लगा रही हूँ देखिए इस तरह से।
और कॉर्नर में मेरे पास पहले से गोल्डन कलर था, तो इसको मैं कॉन्टेस्ट कलर में दे रही हूँ। सोच रही हूँ बहुत खूबसूरत लगे और सचमुच लग भी रही है। तो देखिए पेंट करना तो हो गया, अभी वेयर को ढकने के लिए क्या करूँ, मेरे पास और कुछ सूझा नहीं। तो जम्फर का जो हुडी जम्फर का जो ये रस्सी है उसी को ले लिया हूँ और उसके साथ मैं इस तरह से रैप कर रही। सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, तो फिर अभी मैं ग्लू गन की मदद से देखिए क्या कर रही हूँ, अभी मैं माचिस स्टिक कुछ इस तरह से चिपका रही हूँ। तो दोस्तों माचिस स्टिक से भी दिल नहीं भरा, अभी कोशिश है थोड़ा सा ये पिस्ता शेल से इसको डेकोरेशन करने का। तो अभी देखिए इसका फाइनल लुक्स ये है। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया है फ्रेश प्लांट्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांटर। तो इसको देख के ना मुझे याद है रहे पुराना जमाने का वैनिटी बैग। तो दोस्तों प्लांट्स के साथ इस तरह का वैनिटी बैग आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।